हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में यहाँ इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक पढ़ लिए थे। अब मैं आप ही की इसी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 8.1, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारे, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से आपको अगेन आगे स्टार्ट कराता हूँ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करने के हिसाब से। अब किस हिसाब से है इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि दो एंगल आपके, एंगल ए एंड बी, दो एंगल दे रखे हैं आपको ए और बी, दोनों के लिए उसने एक बात बोली है कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हर बच्चा जानता है द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये तो सारी चीजें गिवन थी। और आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, ध्यान देंगे बेटा इसमें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखो जनरली क्या करते हैं बच्चे, ये समझ लेते हैं कि एक ही उसका क्वेश्चन है, जैसे ए और बी एक ही एंगल के, मान लो अगर मैंने यहां पे लिख दिया यहां पे पी लिख दिया फिर तो मामला बिगड़ जाएगा ना। आप ये अंदाज नहीं कर सकते या ये आप इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं। अगर ट्रायंगल डिफरेंट है जब भी उनमें एंगल्स कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल हो सकते हैं। तो आप इसको हमेशा डिफरेंट ट्रायंगल लेकर ही करेंगे। अगर आप सेम ट्रायंगल लेके कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है। भाई डिफरेंट के लिए भी तो हो सकते हैं, पर डिफरेंट लेके करें तो सेम के सिंगल के लिए तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो अब देखो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम एक चैप्टर है आपका ट्राइंगल, उसकी हेल्प से करते हैं। और ट्राइंगल में हम आपको बताते हैं, जैसे ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तो ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी। यहाँ पे बेटा इसकी साइड मैंने यहाँ पे ले ली पी क्यू और आर, और इनकी ले ली ए बी सी, तो पी अपॉन ए, तो इसकी साइड के अपॉन इसकी साइड, क्यू अपॉन बी और आर अपॉन सी। अगर उनकी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शंस आ जाती हैं, कैसी आ जाती हैं साइड्स, प्रोपोर्शंस आ जाती हैं, तो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वैसे ये वाला कंसेप्ट ट्राइंगल चैप्टर का है और जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छी तरीके से आ जाता है, फिर भी अभी हम इसी की हेल्प से इसको करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, ध्यान से देंगे, इसके अपॉन दूसरे वाले की साइड है, ये मत सोचेंगे इसके अपॉन इसकी साइड, नहीं, इसके अपॉन इस वाले की साइड, फिर इसके अपॉन ये और इसके अपॉन, तो फर्स्ट ट्राइंगल के अपॉन दूसरे वाले की, या कोई बच्चा दूसरे के ऊपर ले सकता है, तो जैसे आप करना चाहो वैसे करेंगे। तो अब बेटा देखो यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि इनकी जगह पे आपको ये भी गिवन दे देता है। मैं अपनी तरफ से इस बात को हाईलाइट करके लिख रहा हूं, समझ लेना, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, एग्जांपल में भी दिए हैं, साइन इक्वल टू साइन बी भी दे सकता है, तो भी आपको यही प्रूफ करना है, या और ये भी दे सकता है, इन्हीं तीन में देगा देगा, तो टेन इक्वल टू टेन बी। देखो बेटा, तो इस चीज को देखते हुए अब क्वेश्चन कैसे लिखाएंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। मैंने अभी ये आपको बताया कि मैं दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट लूंगा, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, एक मैंने थोड़ा सा छोटा बना लिया। अब इसका एंगल ए मैंने यहां लिया है और इसका बी यहां मैंने लिया, ये पी क्यू ये आर एस, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब सारे बच्चे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर पड़ी जाती है, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, बाकी का सब सिर्फ आपको ओनली क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। एंगल आपका ये रहा, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, कॉस ए निकाला, और कॉस ए क्या निकलेगा बेटा, तो कॉस ए दैट मीन्स बेस, कॉस का मतलब क्या था, बी अपॉन एच, जनरली इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो बेस मेरा कितना हो गया ए क्यू और हाइपोटेनियस ए पी, मैंने यहां पर क्या निकाल दिया, ए क्यू अपॉन ए पी। दूसरा निकाला मैंने कॉस बी, तो भाई सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा, तो कॉस बी इसके हिसाब से क्या निकला,
ध्यान दिया जाए इस बात पर। तो ये रहा एंगल बी, एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होता है। तो एडजेसेंट साइड क्या हुई बीएस, समझ में आया ना, मैंने क्या लिखा है बेस अपॉन बीआर। अब बेटा देखो सबका दिमाग ये काम कर रहा होता है कि भाई क्वेश्चन तो ये कह रहा था ये बोथ कैसे हैं इक्वल, ये वाला और ये वाला कैसे थे इक्वल थे हमारे, तो हम ये आराम से लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही तो लिख सकते हैं। तो इनकी जगह पे हमने क्या वैल्यू निकाल दी थी, ये दोनों क्या होंगे फोटो हो जाएंगे, तो ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू बी एस अपॉन बी आर। अब देखो बेटा दो साइड्स के रेशियो मिल गए, हमें चाहिए कितने के तीन के, दो के मिल गए और कितने के चाहिए तीन के चाहिए। पर सबसे जरूरी बात अब इस बात पर ध्यान देना ए क्यू अपॉन ए पी, मतलब ये रहा मेरा ए क्यू और ये क्या है ए पी। तो बेटा ए क्यू के अपॉन हम यहाँ पे ए पी को ले रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ये कहता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए कि भाई इसके अपॉन ये नहीं आना चाहिए, इसके अपॉन इस वाले की साइड आनी चाहिए। तो मुझे इसके अपॉन किसकी साइड चाहिए, इस वाले ट्राइंगल की, और आ कौन सी रही इसके अपॉन इसी की आ रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबने पढ़ा होता है कि भाई इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, जो यहाँ पे डिवाइड लग रहा है वो मल्टीप्लाई में और जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिवाइड में। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकला ए क्यू अपॉन बी एस इक्व टू बी, यहां से ये हमारा गया तो ए पी अपॉन बी आर, और इक्व टू इसको मैंने के लेट कर दिया। ठीक है, जनरली मैं तीसरे रेशियो निकालने के लिए तो मेरी यहां से जो ए क्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ए क्यू अपॉन बी एस इक्व टू के, तो ए क्यू के बी एस ए पी के बी आर, मैं डायरेक्ट लिख दिया इससे। ठीक है ए पी इक्व टू के बी एस, और सेम इसी से तुम इसको तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो, तो दोनों रेशियो लिख गए। अब देखो थर्ड साइड के लिए बेटा, अब आपको अगर ट्राइंगल में कोई बात पता है तो आपको सिर्फ एक ही बात पता है कि सर हम ट्राइंगल में एक ही चीज जानते हैं वो है हमारी पाइथागोरस। क्या है वो हमारी पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से क्या होगा देखा जाए उसको। तो हम इस वाले ट्राइंगल की पाइथागोरस लिखते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों एंगल को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल आ गया और इक्वल टू के मान लिया थोड़ी देर के लिए, और इसको मैंने एक इक्वेशन डाल दिया वन। इसकी हेल्प से एक बार के इसके इक्वल होगा तो ए क्यू इक्वल टू के बी एस, और ये अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या। तो भाई देखो पाइथागोरस के हिसाब से दो साइड होती है तो हम थर्ड साइड निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपको एक ही बात बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालने की बात होती है तो हमारे पास दो साइड्स होती हैं और हम थर्ड साइड को निकाल रहे होते हैं। तो और इसके लिए एक ही कंसेप्ट यूज करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बताया था एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब सबसे जरूरी बात इसमें लगाएंगे हाइपोटेनियस ए पी का स्क्वेयर, ठीक है। अब उसके बाद परपेंडिकुलर एंगल हम यहां पे ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा पी क्यू का स्क्वेयर प्लस बेस ए क्यू का स्क्वेयर। ये तो हमारी पाइथागोरस होगी। अब पाइथागोरस का यूज क्या करना है, तो जो साइड फाइंड करनी होती है उसका ही तो यूज करना होता है। यहां भी आपका बेस मिला हुआ है और हाइपोटेनियस मिला हुआ है, फाइंड क्या करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे वी फाइंड आउट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या था पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तो दैट मीन्स इसको एक साइड रखेंगे बचे हुए इधर ट्रांसफर कर देंगे। चलो बेटा ये हमारा ट्रांसफर हो गया। अब ये भी तुमने पढ़ा है भाई पी क्यू निकालना है, स्क्वायर आ रहा है तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट बन जाएगा उधर जाके, ये तो पाइथागोरस हमने इसकी लगा थी। पर अभी हमने इन्हीं वैल्यूज को निकाला था, ध्यान से देखेंगे ए पी और ए क्यू। तो ए पी क्या था मेरा के बी आर, क्या था के बी आर, तो यहां पे पुट कर देंगे के इसका हमने स्क्वायर कर दिया माइनस। अब क्या करेंगे के बी एस, ए क्यू का मतलब क्या था के बी एस इसका स्क्वायर, स्क्वायर किया तो बेटा देखो के स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस
ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन थोड़ी सी स्किप कर दी है कि जैसे ही हम इसका स्क्वायर करते हैं के स्क्वायर आ जाएगा, बी आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका करेंगे के स्क्वायर आ जाएगा, बी एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, पर अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो हम इस लाइन को यहाँ लिख भी सकते हैं कि भाई के स्क्वायर ये आएगा, ये आ जाएगा मेरा बी आर स्क्वायर। लो सेपरेट हो गया। अब दोनों के अंदर के क्या था, के, तो के स्क्वायर को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रह गया बी आर स्क्वायर और यहाँ से क्या रह गया बी एस स्क्वायर। अब बेटा हम इस फॉर्मेट पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि बी आर और पी एस किस वाले ट्राइंगल की साइड थी, इस वाले ट्राइंगल की साइड है इधर वाले की। तो यहाँ पे जो मेरा बी आर है क्या है बी आर, तो ये रहा मेरा बी आर। तो बी आर के लिए क्या करेंगे, यहां भी पाइथागोरस लगाएंगे, ये क्या था मेरा बी एस था, तो बी एस ये रहा, अपने आप रिमेनिंग वही बच रहा है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा भाई इसके लिए पाइथागोरस बता दो तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा ये रहा, पर बचा क्या, ध्यान देना है इस बात पे, ये रहा मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस द साइड इज फ्रंट ऑफ राइट एंगल या 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा बेस, तो एडजेसेंट साइड मतलब इसके साइड वाली साइड, तो बी एस बी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बी एस के स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब बेटा यहां से एक बात जो हमारी निकल के आ रही है कि भाई ये बी आर है उसको यहां पर रख दो, फिर चाहे तो ऐसे इधर ट्रांसफर करके निकाल लो सीधे सीधे, आपका आर एस निकल आएगा, आर एस का स्क्वायर निकालोगे तो ये इधर क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, और यही था और ये मेरा क्या हो गया के स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या रख सकता हूं मैं आर एस का स्क्वायर, और जो किसके इक्वल आ गया के आर एस, क्योंकि रूट से जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारा ये रहता था, ये किसके इक्वल था पी क्यू के, तो इस हिसाब से बेटा पी क्यू इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो किसमें चला गया अपॉन आर एस इक्वल टू के, ये भी मेरा क्या आ गया, और इन दोनों साइड के रेशियो क्या थे के इक्वल थे, तो ये तो वही बात होगी इसके पास भी टेन है ये भी टेन है, तो नौ टेन टेन तो इक्वल ही होंगे, जैसे कि ये भी वही के है और ये भी के है, तो दोनों की ये इक्वेशन है वो कैसी होंगी इक्वल होंगी, दैट मीन्स हम इनको इक्वल रख सकते हैं आराम से। पूरी एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ी तुम्हें दिक्कत देता है, पर मैं इसमें कोई भी चीज दिक्कत हमें जब तक देती है, अगर आप देखो ओरली देखोगे समझोगे आराम से समझ में आएगा, फिर वीडियो बंद करके लिखने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, तो आप साथ ही साथ नोट करें और कोशिश करेंगे चीजें हुई कैसे। एक दो बार जब आप इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ कि आप इसको बार बार अपने आप लिख के देखें, पर एक काम मत करना पूरा एक साथ देख ले, एक साथ देखो कभी नहीं कर सकते, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, जब बड़ा क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको तैयार करो भाई ये लाइन ऐसे आई है, फिर पहले पूरा नोट करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो देख देख के, एक बार दूसरी बार देखो, दूसरी बार प्रैक्टिस करो बिना देखे। तो बेटा जैसे ही हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा तो रिजल्ट भाई यही निकल रहा है, अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और देखो बेटा मैं एक भी लाइन आप लोगों के सामने इसलिए स्किप नहीं कर रहा, पूरा प्रॉपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो ए क्यू अपॉन बी एस इक्व टू ए पी अपॉन बी आर इक्व टू पी क्यू अपॉन आर एस। अब देखो दो दे रहा था थर्ड निकालनी थी, तीनों में भी यही केस बनेगा, दो साइड देगा थर्ड निकालनी है, सेम तरीके से पाइथागोरस यूज होगी, और जैसे ही पाइथागोरस होगी आपकी तीनों साइड आपको मिल जाएंगे, और जैसे ही आप तीनों साइड मिलेंगे तो आप क्या बोल दोगे कि भैया देखो ऐसी बात है कि ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, थोड़ा तो मतलब सिमिलरिटी में से दिक्कत होगी ये मैं मान रहा हूँ, पर जैसे ही हम चैप्टर ट्राइंगल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीधा ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको ये पूरा क्लियर करवा दूंगा और अच्छे से। देखो ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू और बी आर एस, और कौन तीनों में हमने साइड साइड ली है, तीनों साइड ली तो दैट मीन साइड साइड सिमिलरिटी, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना था, तो मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूं, कुछ नहीं किया है हमने, हमने दो ट्राइंगल बनाया, दोनों ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है उसकी वैल्यू लिखी है, जैसे हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू लिखते हैं एंगल की, फिर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल थे दोनों को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, पाइथागोरस निकाली, जो साइड हमारी छूटी हुई थी हमने सिर्फ उसकी वैल्यू निकाली है, और के का जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूओं को पुट कर दिया है।